और अगल बगल देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि अब झीलों के शहर से, सुरमा भोपाली के शहर से देवी अहिल्या की नगरी जाने का वक्त हो चला है, यानी एक और सफर का वक्त हो चला है। लोगों से भी कुछ मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा, बड़े दिलचस्प लोग हैं और लोगों से चर्चा करेंगे, थोड़ी चाय पर भी चर्चा हो जाएगी। और इसी चाय के साथ मैं आपका वेलकम करता हूँ इस नए सफर पर। गाड़ी बुला रही है जिसमें हम लगातार संवाद कर रहे हैं ट्रेन के अंदर। रेल पर राजनीति की बातें हो रही हैं, लोकसभा को लेकर, लोकसभा के वोटर के मानस को लेकर चर्चा हो रही है। भोपाल की अगर बात कर ली जाए तो तकरीबन 9 विधानसभा क्षेत्र यहां पर आते हैं, 8 के करीब जो हैं वो भाजपा के कब्जे में हैं और ज्यादातर जो वर्चस्व रहा है यहाँ की राजनीति में, धीरे धीरे साध्वी ने जैसे ही राजा साहब के किले को ढहाया है उसके बाद से भाजपा का वर्चस्व यहाँ पर बढ़ता चला गया। ये अतीत की बातें हैं, वर्तमान चल रहा है और भविष्य क्या तय करेगा वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब सफर का वक्त हो चला है, आज की हमारी ट्रेन रहेगी पंचवेली पैसेंजर। नाम की वजह क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन इस तरह से जब भी आप जानकारियां देते हैं तो एक मजमा लग जाता है, स्वाभाविक जिज्ञासा। तो अब सफर की शुरुआत का वक्त हो चला है, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विपिन लगातार बने हुए हैं। शुरू करते हैं, गाड़ी बुला रही है। गाड़ी बुला रही है, लगातार हम इस सफर पर निकले हुए हैं, वोटर के मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पंचवेली में सवार हैं, पंचवेली छिंदवाड़ा से चलकर और इंदौर तक पहुंचती है, और जब पहली बार इसे छिंदवाड़ा के लिए शुरू किया गया तो वो भी छिंदवाड़ा के लिए उस दौर में बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करता था कि जब एक ट्रेन का कोच या बोगी बढ़ा दिया जाए, उसका स्टॉपेज बढ़ा दिया जाए या फिर उस ट्रेन का 26 किलोमीटर का रन बढ़ा दिया जाए, उस दौर में वो उपलब्धि हुआ करता था। उसी दौर की शुरुआत है ये पंचवेली एक्सप्रेस, जिसे आज एक्सप्रेस के तौर पर जाना जाता है, शुरुआत इसकी बतौर पैसेंजर हुई थी। इसमें तमाम वोटर्स बैठे हुए हैं और कहने को इसे सामान्य श्रेणी का या डब्बा आप इसे मान सकते हैं, पर आम तौर पर इस डब्बे में घुसना ये अपने आप में किसी संघर्ष से ज्यादा लगता है। सर, आप वोट करते हैं? लेकिन क्या मुद्दे हैं? हम तो मोदी वाले हैं भैया, बीजेपी वाले हैं हम। अच्छा। और क्या मुद्दा लग रहा है चुनाव में, कोई कमी वो लगती तो है? मोदी सरकार ही आएगी और कुछ नहीं होगा। मोदी सरकार के सामने अब क्या चुनौती है अगर आती है तो? अब मथुरा की बारी है, काशी मथुरा की बारी है। अच्छा, बिल्कुल सर। एक बात और बताइए कि लोग बोलते हैं रोजगार या एक करप्शन एक बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है? सर, ये इतना मैं नहीं जानता, बाकी मुझे ये मालूम है कि मोदी सरकार ही आएगी और अभी नहीं कम से कम 40 साल आएगी। सर, आप वोट करते हैं, क्या मुद्दे आपको लगते हैं चुनाव के दौरान? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी आएगी, मुद्दे क्या होने चाहिए इस बार, नेताओं से क्या बात की जाए, क्या सवाल पूछे जाए? ये ट्रेन जो अपन बैठ रहे हैं इसमें बोगी बढ़ाई जाए, इसमें भी ट्रेन में ही बोगी बढ़ाई जाए, पब्लिक परेशान ज्यादा होती है। ट्रेन फैसिलिटीज बढ़नी चाहिए, होना चाहिए। पब्लिक बढ़ रही है तो डिब्बे भी बढ़ रही है, रिजर्वेशन डिब्बा ज्यादा दे देते हैं, लोकल पब्लिक ज्यादा परेशान होती है, हर आदमी रिजर्वेशन नहीं करवा पाता। तो इस तरह के सामान्य डिब्बे बढ़ने चाहिए। करप्शन या और आपको लगता है रोजगार एक बड़ी समस्या है? रोजगार तो बहुत ही है, रोजगार मिलते ही नहीं। दुकान पे हर व्यक्ति काम कर रहा है उसको कितने मिलते, 7-8 हजार। जो आदमी किराए से रहता है वो क्या करेगा, फैमिली पालेगा क्या, वो रखेगा? तो सरकार या नेता इस बारे में सरकार, बात करते हैं। सरकार किसान को कर रही है, किसान को दे रही है सरकार, लेकिन जो बेरोजगार है उसका क्या होगा बताओ? बेरोजगार तो दुकान पे काम करेगा ना, उनके लिए इसके बाद उनके लिए कुछ होना चाहिए। एक जगह फोकस होता है तो क्या नेताओं का जो एक फोकस है वो दूसरी जगह से डी फोकस हो जाता है, किसान पर फोकस करते हैं तो युवा कहीं चला जाता है। आप वोट करते हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार? सबसे, मैं एक युवा हूं तो युवा होने के नाते में सबसे पहले रोजगार का मुद्दा रहेगा कि युवाओं की बात तो की जाती है लेकिन रोजगार से रिलेटेड कोई भी बात जो है वो सरकार पूरी नहीं करती। हमने धरना प्रदर्शन दिया है भोपाल में, लेकिन हमारी सरकार ने हमें आश्वासन तो दिया है लेकिन रोजगार देने के बावजूद भी हमें हटा दिया, सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, हमें हटाने की प्रोसेस की जा रही है। मतलब एक तरफ सरकार युवाओं की बात करती है और दूसरी तरफ उनको रोजगार से ही दूर कर रही है, उनको रोजगार देने के बजाय और निकाल रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत परेशानी आ रही है। और मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि हर साल बेरोजगारी दर ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है।
पर ये तो बोल रहे हैं कि हम अभी भर्तियां करने वाले हैं, नई भर्तियां निकालेंगे। ये सिर्फ है ना बोल रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हो रही है, ओनली आश्वासन दिया जा रहा है रोजगार के नाम पर, लेकिन किसी प्रकार का रोजगार युवा को नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिया रहा। बच्चों को इस उम्र में पढ़ाना चाहिए तो काम पे भी जा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे को, ये हमारा बच्चा काम करता है। और स्कूल वगैरह, स्कूल कहाँ, इतने लॉकडाउन कोरोना में फंसे थे, इतनी फीस कर दिए थे, भर ही नहीं पाए, फीस ही नहीं भर पाए, खाने के पोते थे, फीस कहाँ से भरते। सरकार का अन्न वगैरह मिल रहा है, 5 किलो गेहूँ एक महीना खा लेंगे आप, चावल आटा थोड़ा ना कोई खाएगा, तेल मसाला भी तो लगता है कि नहीं, तेल कितनी महंगी हो गई है, आज सब्जियां कितनी महंगी हो रही है, तो इस समय सब्जियां सस्ती होनी चाहिए, वो महंगी हो रही है, क्या बहुत परेशानी हो रही है इंसानों के, महंगाई बड़ा मुद्दा जी, बहुत महंगाई तो इतनी, बहुत तंगी भी महंगी, हर चीज महंगी, बहुत परेशानी, तुअर की दाल ले लो, हर चीज महंगाई, महंगाई एक बड़ा मसला, क्योंकि पूरे घर का बजट उनकी जिम्मेदारी है, और रोजगार जिससे वो कनेक्ट करके इसे देखते हैं। वोट करती हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं, करते हैं। हाँ, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लिहाज से चुनाव में? काम तो सही हो रहा है, सही हो रहा है, हाँ सही हो रहा है, सारी योजनाओं के लाभ वगैरह मिलते हैं? लाभ बराबर मिलते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, जो बीच वाले रहते हैं ना, वो सही लाभ नहीं देते हैं। हाँ, बाकी मोदी योगी का काम तो बढ़िया लगता है, बढ़िया लगता है। हाँ, अच्छा, बीच वाले मतलब करप्शन भी चुनौती है? मुद्दा तो सही है, अभी जैसे 500 वर्ष पुराना राम मंदिर था, मतलब वो भी आया है सामने, लोगों के आस्था का केंद्र है, मोदी सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, मोदी सरकार का जो मंत्र अंतिम व्यक्ति तक भी योजना लाभ पहुंच रहा है, कार्यकर्ता भी घर घर जाके सभी को बता रहे हैं कि अंतिम क्या है, पहला क्या है, जो कांग्रेस सरकार थी पहले क्या है, अब हितग्राही को लाभ नहीं मिलता था, अभी हितग्राही को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट सीधा, अब लाडली बहना को सीधा, मतलब कल 1250 से किस्त। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लाडली बहना को लेकर ये है कि भाई पैसे पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे, वो स्कीम काम कर रही है? कर रही है बराबर, जो पात्र है हितग्राही उसको तो बराबर मिल रहा है, गेहूँ पहले 1600 बिकता था, अब 2250, मतलब सरकार ने 2700 लागू किया है, तो अब महंगाई तो एक अलग मुद्दा हो गया, कुछ चीजें पहले प्लाट कम रेट में मिलते थे, जहाँ मतलब 1200 स्क्वायर रेट था, वहाँ 2000 हो गया है, मतलब वो भी तो बड़ा है, आप उसको देखिए, कोई चीज में महंगाई एक अलग चीज है, कुछ बड़ा है तो बराबर में लेवल में बड़ा है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, आप वोट करते हैं सर? जी करता हूँ ना। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव में? अच्छा ही होगा जो भी कुछ होगा। मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है जब वो वोट करने जा रहा है? ये तो सर काम जो अच्छा कर रहा है उसी को मिलना चाहिए वोट, डेवलपमेंट सबसे बेस्ट रहा है, करप्शन महंगाई क्या ये भी मुद्दे हैं? ये भी सब अच्छा ही कर रहा है, वो भी जो कर रहा है जिसको जो जीतेगा, हाँ वो अच्छा कर रहा है, सरकार सर बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको सुविधा है, नहीं नहीं ठीक बोली भैया ने, नहीं काफी है ऐसा है, नहीं बोले सुविधाएं मिल रही है, सुविधा पूरी फुल मिल रही है, योजनाओं को लेकर ये बात, योजना की लाभ पूरी मिल रही है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, जी जी, राशन लेकर गरीब के मकान से लेकर सभी को सब कुछ मिल रहा है, ऐसा नहीं है कुछ दिक्कत वगैरह, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जो पात्र नहीं उनको मिलने जा रहे हैं, जो सरकार है वो आना चाहिए, जो पात्र नहीं उनको भी मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सरकार चल ही रही है, तो जो पात्र नहीं है उन्हें भी मिल जा रहा है, ये भी अपने तरह का एक स्कीम है। वोट करते हैं सर आप? क्या मुद्दे आपके हिसाब से हैं चुनाव में? चुनाव में क्या है, सुशासन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कहीं किसी सेक्टर में आपको लगता है काम करने की ज्यादा गुंजाइश है, होना चाहिए, चल रहा है सरकार के हिसाब से, सब योजनाएं पूर्व में निर्धारित होती हैं, जमीन तक पहुंच रही है, हाँ पहुंच रही है, जमीन तक योजनाएं भी पहुंच रही हैं, आप वोट करती हैं? यस। क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं? महंगाई है। यंग वोटर क्या सोच रहा है, अब जब चुनाव है, आम चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनना है, यंग वोटर के दिमाग में क्या चल रहा है वो बताइए। अभी तो यही है कि नौकरियां वगैरह होनी चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं? यस, MBA चल रहा है मेरा। MBA चल रहा है, MBA के बाद जॉब सिक्योरिटी आपको चाहिए? हाँ, फर्स्ट चाहिए। एक चीज है, जॉब के लिए अप्लाई करना और जॉब मिल जाना, इसके बीच एक गैप है, आती है पोस्ट फिर उस पर कोई आपत्ति उठा देता है, ये हो रहा है? हाँ हो रहा है, हाँ बिल्कुल लगता है मुझे ये, इस पे सरकार को कुछ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, प्रोसेस तेज होना, हाँ बिल्कुल। ओके।
तो MBA आप कर रही हैं, इनकी भी उम्मीद है, और जाहिर तौर पर कोई अगर MBA करेगा इतने स्ट्रगल के बाद तो उसकी एक उम्मीद होगी, वो एक अदद जॉब एक्सपेक्ट करेगा। आप वोट करती हैं, क्या मुद्दे हैं? ये योजनाओं के बहुत लाभ हो रहे हैं हम लोगों को मोदी सरकार से। ये हाँ बहुत लाभ मिल रहा है, लाडली योजना, बहनों को मतलब बहुत सुविधाएं हो रही हैं। सीहोर में कोरेश्वर धाम पे इतनी भीड़ आती है, लेकिन यहाँ कुछ ट्रेनें पूर्व में जो चलती थी वो बंद कर दी गई है। भोपाल इंदौर इंटरसिटी सीहोर स्टॉपेज नहीं है, उसका काला पेपर और अकोदिया स्टॉपेज है ओवरनाइट इंदौर जी की वजह से। हाँ बहुत पब्लिक आ रही है। हाँ तो उसका तो व्यापार ही बढ़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को ये ट्रेनें रोकना चाहिए। इसे कहते हैं तजुर्बा। वोट करते हैं आप, क्या मुद्दे हैं चुनाव में? इस बार चुनाव में बस एक बार जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आना चाहिए, क्योंकि अपने देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इससे क्या है, बेरोजगारी की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, और आगे चल के भविष्य में खाद्यान्न संकट भी आ सकता है देश पर, क्योंकि आजकल लोग ग्रामीण से सिटी की ओर पलायन कर रहे हैं, तो सिटियों में भी कहां तक रोजगार मिलेंगे। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसके अलावा और क्या लगता है? और थोड़ा शिक्षा पर और थोड़ा जोर देना चाहिए, ग्रामीण स्तर की जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको सुधार करवाना चाहिए। हाँ उनमें सिस्टमाइज शिक्षा, सरकारी स्कूल हाँ बेहतर तरीके से सिस्टम हो तो शायद। हाँ शहर के लोग नहीं जाएंगे लोग, क्योंकि अभी जो निजीकरण हो रहा है थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हर लोगों को फायदा रहेगी, गरीब वालों को। बेरोजगारी का है, एजुकेशन का है, नेता वगैरह पहुंच रहे हैं, सब पहुंचने लगा होगा, आप धीरे धीरे पहुंच। हाँ वो तो पहुंचने लग गए हैं। और चुनने के बाद आते हैं कि नहीं? नहीं चुनने के बाद तो बस यही तो खासियत है कि चुनने के बाद आते ही नहीं है। चुनने के बाद जो ना आए वही नेता है। और क्या लग रहा है सरकार के काम काज कैसे चल रहे हैं? कि आज युवा जो है जिस हिसाब से मतलब पढ़ाई हो रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो रोजगार की सरकार को मतलब ये सोचना चाहिए कि जो युवा आज निकल रहे हैं तो उनके लिए मतलब रोजगार दिया जाए, नौकरी वगैरह जो है वो दिया जाए। क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा फैक्ट्री का है, सकर फैक्ट्री का। आज 2002 से बंद है। कौन से किस सकर फैक्ट्री? सीहोर। सीहोर जी तो अभी तरह ना तो कोई इसका हाँ ना तो कोई इसका कोई फाइनल हुआ ना कुछ हुआ इसका। अभी कुछ शुगर फैक्ट्री के काम फाइनल हुए थे, मुआवजा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं दिया। 1200 आदमी थे, कम से कम 100-150 आदमी तो मर चुके हैं। 2022 का आप बोलते हैं नेताओं से? बोलते हैं नेताओं से बोलते हैं। मैं भी भारतीय मजदूर संघ का वर्किंग कमेटी का सदस्य हूँ जी। कोई सुनवाई? शिवराज सिंह चौहान रहा, इनने भी कोई सुनवाई नहीं करी। दिग्विजय सिंह रहा, इनने भी कोई सुनवाई नहीं करी। अब ये डॉक्टर मोहन यादव आए, उनसे मिलते हैं अब जाके। उनने कभी निराकरण किया है? बहुत पुराना हुकुमचंद मिल। हाँ हुकुमचंद मिल का कहा है 48 करोड़ का। हाँ ये मेरे को मालूम, पेपर में मैंने खुद सुना था। हाँ बिल्कुल उम्मीद है, और हम भी एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाके मिलने वाले हैं उनसे बहुत जल्दी। तो जुड़े हुए हैं आप भारतीय मजदूर संघ से, और कहना है एक ये मसला भी एक है और ये गाहे बगाहे उठता है, इससे लेकर आवाज भी उठाई जाती है। सीहोर का जो इन्होंने बताया है, तकरीबन 1200 लोग इससे प्रभावित हैं। मुद्दे ऐसे भी हैं, इस तरह से भी हैं, इस स्तर के भी हैं, और बाकी लोगों के मन में क्या है वो भी हम लगातार पूछते चल रहे हैं। महंगाई बेहद आसा, महंगाई हर चीज, जो खाने पीने की, जो गरीब लोग हैं बहुत। योजनाओं का लाभ वगैरह मिलता है? हाँ मिलता है इतना, वो उसमें क्या वो तो ऊँट के मुंह में जीरे का सामान है, इतना कोई वो नहीं विशेष है। लगातार इसी तरीके से संवाद का सिलसिला चलता रहेगा, ट्रेन पर, रेल पर, रेल को लेकर, रेल पर राजनीति को लेकर इसी तरह चर्चा होगी, क्योंकि गाड़ी बुला रही है। तो इसी ट्रेन के साथ पंचवेली का जो सफर था वो यहीं खत्म होगा। इंदौर यानी देवी अहिल्या की नगरी हम पहुंच चुके हैं। इंदौर के बारे में आपको एक खास बात बता दूं, भाजपा का मजबूत गढ़ न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरा मालवा भाजपा का मजबूत गढ़ है। नवासी से सुमित्रा महाजन ने जो सिलसिला शुरू किया वो लगातार अभी भी जारी है। विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए तो पहली बार तकरीबन 35 साल बाद ऐसा हुआ जब बीजेपी ने पूरी तरह से यहां पर कब्जा कर लिया और कांग्रेस यहां से साफ हो गई। लोकसभा चुनाव अब सर पर है, देखते हैं जिन वोटर का मानस हमने पढ़ा है क्या वो वोटर उसी तरह से अपने वोट में भी वो नजर आता है, वो मानस, वो मुद्दों को लेकर कितने मुखर रहे वो आपने देखा। तो लगातार इसी तरीके से चर्चा का सिलसिला शुरू रहेगा।
फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विपिन को दीजिए इजाजत, और जारी रहेगा गाड़ी बुला रही है।